हेलो गाइस, वेलकम टू विद्युत सहायक यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लैचिंग सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली लैचिंग सर्किट क्या होता है वो जानने वाले हैं। लैचिंग सर्किट को ही होल्डिंग सर्किट कहा जाता है। तो लैचिंग सर्किट यूज़ क्या होता है, तो देखिए लैचिंग सर्किट बहुत सारे मोटर के स्टार्टर एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगह पे जहाँ पे हमें रिले को लैच करना होता है या फिर होल्ड करना होता है, वहाँ पे हमें लैचिंग सर्किट का यूज़ करना पड़ता है। जब तक हम लैचिंग सर्किट के बारे में नहीं सीख लेते तब तक हम स्टार्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं लैचिंग सर्किट क्या है और कैसे काम करता है। सो देखिए लैचिंग सर्किट को समझने के लिए वाले डायग्राम का यूज़ करेंगे। तो डायग्राम में बेसिकली क्या क्या हुआ है, एक 5 होल्ड का बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी वाले पॉजिटिव टर्मिनल पे एक एनो स्विच, एनो मीन्स नॉर्मली ओपन स्विच, जो हम स्टार्ट पुश बटन करके यूज़ करने वाले हैं, और जो NC स्विच जो हम स्टॉप पुश बटन करके यूज़ करने वाले हैं, उसके सीरीज में एक रिले का कॉइल अटैच किया हुआ है। रिले का डायग्राम दिया हुआ है हमने। तो रिले में 2 पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। अगर आपको रिले के बारे में जानना है तो हमने रिले के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सब रिले के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। उसका लिंक मैं वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख लीजिएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि रिले क्या होता है। तो इस रिले में 2 एनो टर्मिनल है और 2 NC टर्मिनल है, इसमें 2 कॉमन है। और हमने क्या किया हुआ है, इसके जो दूसरा वाला टर्मिनल है उसके येलो पॉइंट के अक्रॉस में एक लाइट और बैटरी अटैच की हुई है। तो देखिए बेसिकली सर्किट कैसे काम करेगा, जब हम स्टार्ट पुश बटन पुश करेंगे तो ए पॉइंट क्लोज होके यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात कंप्लीट होके जो रिले कॉइल है अपना वो एनर्जाइज हो जाएगा। यहाँ पे जो NC टर्मिनल है वो येलो हो जाएगी। क्या रिले क्या करेगा, जो कॉन्टैक्ट को है वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो इनिशियल कंडीशन में जो NC थे अभी वो क्या हो जाएंगे, जो येलो हो जाएंगे, और जो येलो थे वो NC हो जाएंगे। अभी क्या होगा, जब येलो टर्मिनल NC हो जाएगा तो जो ये जो दूसरा सर्किट है अपना उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और अपना जो ये लाइट है वो ग्लो करने लगेगा, उसका सप्लाई पाथ कंप्लीट हो जाएगा और लाइट ग्लो होने लगेगा। अभी देखिए मैं जब तक ये येलो स्विच पुश करके रखता हूँ तब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं इसको अभी छोड़ दूँ, मतलब जब तक मैं पुश बटन को पुश करके रख रहा हूँ तब तक ही वो लाइट ग्लो करेगा, कॉइल एनर्जाइज रहेगा और लाइट ग्लो करेगा। अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, यहाँ पे कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगा और जो रिले के टर्मिनल है वो इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे और लाइट ग्लो करना बंद कर देगा। अभी देखिए अगर मेरे को अगर कंटिन्यूसली वो लाइट को ग्लो ही रखना है, मतलब जब मैं एक बार पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरा जो लाइट है वो ग्लो ही रहना चाहिए। इसके लिए जो हम सर्किट बनाते हैं उसको ही हम लैचिंग सर्किट और होल्डिंग सर्किट बोलते हैं। अभी देखिए मुझे ये नॉर्मल से सर्किट को लैचिंग सर्किट में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको कैसे करूँगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो स्टार्ट पुश बटन का या फिर येलो पुश बटन का कॉन्टैक्ट के अक्रॉस में रिले का येलो कॉन्टैक्ट को पैरेलल में कनेक्ट करने वाला हूँ। अभी देखिए ये पुश बटन का येलो कॉन्टैक्ट है जो नॉर्मली ओपन है, तो मैं सिंपली यह दूंगा इसके अक्रॉस में जो रिले का येलो कॉन्टैक्ट है उसको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। देखिए ये जो येलो पुश बटन है वो रिले के येलो कॉइल के पैरेलल में कनेक्ट हो गया। अभी ये वर्क कैसे करेगा तो देखिए जब मैं स्टार्ट बटन को पुश करूंगा तो क्या होगा, मेरे जो NC कॉन्टैक्ट है वो येलो हो जाएंगे और जो येलो कॉन्टैक्ट है वो NC हो जाएंगे। तो क्या होगा, मैं स्टार्ट बटन जब पुश करूंगा येलो NC हो जाएंगे और NC कॉन्टैक्ट येलो हो जाएंगे, तो करंट मेरा 2 पाथ में डिवाइड हो जाएगा, ये 2 पाथ में फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। देखिए ऐसे ये पाथ में मेरा 2 करंट स्टार्ट फ्लो होगा, और उसके साथ साथ में जब ये भी पाथ रही तो मेरा करंट ऐसा भी फ्लो हो जाएगा ये पाथ के साथ,
जो आई टू रहेगा, आई टू बोलेंगे हम उसे, ऐसे करके उसका पाथ कंप्लीट करके यहाँ तक बैटरी के नेगेटिव में आ जाएगा। वो वाली कंडीशन में क्या होगा कि मेरा जो रिले का कांटेक्ट है, मेरा जो रिले का एनसी एनओ कांटेक्ट है वो एनसी हो जाएगा और मेरा लाइट यहाँ पे ग्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो अभी क्या कर रहा है हम, तो अभी क्या कर रहे हैं कि जब मैं एनओ पुश बटन को छोड़ दूंगा तो फिर भी मेरा जो करंट है यहाँ से फ्लो होते रहेगा, यहाँ से इस पाथ से फ्लो होते रहेगा ऐसे कॉइल में से, और मेरा जो लाइट है वो कॉइल एनर्जाइज होने की वजह से कांटेक्ट वही पोजीशन में रहेंगे और मेरा लाइट ग्लो करते रहेगा। इसका पाथ कंप्लीट होके मेरा लाइट ग्लो करते रहेगा। तो ऐसे कुछ हम लैचिंग करते हैं। अगर मुझे इसको डीलैच करना है, मतलब इसका लैचिंग को तोड़ना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसकी जो फ्लो ऑफ करंट को है उसे रोक लूंगा। अभी क्या करना है मुझे, अगर इसको स्टॉप करना है तो मैं सिंपली जो एनसी पुश बटन है इसको पुश कर दूंगा, इसको ओपन कर दूंगा। तो अभी देखिए इसका जो करंट का पाथ है यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो मेरा जो करंट है वो आगे बहना स्टॉप हो जाएगा, मेरे जो रिले के कॉन्टैक्ट है वो इनिशियल कंडीशन में आ जाएंगे और मतलब लाइट बंद हो जाएगा। ये इनिशियल कंडीशन में आने की वजह से क्या हुआ, इसका जो कांटेक्ट है यहाँ से वो टूट गया और अपना लाइट बंद हो गया। तो देखिए फ्रेंड, लैचिंग सर्किट के ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। सो फ्रेंड, लैचिंग सर्किट के बारे में आपको कुछ क्वेरी होंगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे चल के मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।